अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है और ये कौन सी मोशन परफॉर्म करते हैं, यानी ये टू डायमेंशनल मोशन को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले हम क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन, फिर टाइम मालूम करने का फार्मूला, किसका टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट, पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड, यानी एक प्रोजेक्टाइल है, उससे हमने पॉइंट ओ से फेंका, ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जब ये क्या करता है, एंगल थीटा बनाता हुआ आगे जाता है और यहां पर जाकर क्या हो जाता है, टकराता है, और इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, यहां से लेकर, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग तक का जो वक्त होगा, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और स्टूडेंट, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है, टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन द एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्टूडेंट, क्या होता है इसमें, एज बॉडी गोज अप एंड कम्स बैक टू सेम लेवल, यानी बॉडी ऊपर जाता है और दोबारा इस लेवल पर, यानी यहां पर दोबारा वापस आ जाता है, तो इस लेवल पर आने की वजह से इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल, वो क्या होगा, जीरो। स्टूडेंट, अब हम अगर देखते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वो क्या होगी, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा। और स्टूडेंट, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और इसके साथ सिंबल क्या होगी, माइनस की, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव करता है। अगर टूवर्ड द अर्थ मूव करेगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव करेगा तो पॉजिटिव जी आएगा, अगर अवे मूव करेगा तो क्या एक्सेलरेशन आएगा, नेगेटिव। और स्टूडेंट, हमने कैलकुलेट क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट, वाई इज इक्वल टू, यानी एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, वाई, इक्वल की जगह इक्वल, वी आई की जगह क्या आ जाएगा, वी आई वाई, तो टी की जगह टी, प्लस की जगह प्लस, वन ओवर टू वन ओवर टू, ए की जगह ए वाई, टी स्केयर की जगह टी स्केयर। अब स्टूडेंट वैल्यूज पुट करेंगे, हमने देखा कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, जीरो, वी आई वाई क्या होता है स्टूडेंट, वी आई साइन थीटा, टी की जगह टी, वन ओवर टू वन ओवर टू, ए वाई की जगह जी, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और टी स्केयर वैसे का वैसे। स्टूडेंट, ये माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी वन ओवर टू जी टी स्केयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इन टू टी। अब स्टूडेंट अगर देखें, इस टी स्केयर के, इस टी के साथ ये स्केयर कैंसल हो जाएगा, और जस्ट यहां पर टी, ये टू डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट, टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। स्टूडेंट, एक और चीज भी बता दूं, अक्सर ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, के मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। तो स्टूडेंट, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, ये इस वजह से टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, टू पर डिवाइड कर देंगे, तो टू से टू कैंसल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये क्या होगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब आते हैं हम स्टूडेंट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पर। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की पहले डेफिनेशन, के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, इसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ
प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट इसमें हमेशा याद रखिएगा, जब हॉरिजेंटल डिस्टेंस कभी भी वो करता है कोई भी चीज, तो उसमें एक्सेलेरेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी कौन सा एक्सेलेरेशन, हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन। अब वी आई एक्स क्या होगा स्टूडेंट, वी आई कॉस थीटा। टी हमने अभी कैलकुलेट किया स्टूडेंट, टी इज इक्वल टू 2 VI साइन थीटा ओवर जी। और रेंज हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और याद रखिएगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैपिटल आर से जाहिर किया जाता है। और स्टूडेंट इसके बाद फिर वही हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस की, तो एक्स लगाया है। तो यहां पर जब वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आर। वी आई एक्स किसके इक्वल था स्टूडेंट, वी आई कॉस थीटा। टी हमने कैलकुलेट किया था 2 VI साइन थीटा ओवर जी, 2 VI साइन थीटा ओवर जी प्लस 1/2 ए, यानी ए एक्स की जब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट जीरो, तो ये सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, जीरो। आर की जगह आर स्टूडेंट अगेन, वी आई और ये वी आई क्या हो जाएगा, वी आई का स्केयर, ये 2, फिर साइन थीटा कॉस थीटा और ओवर जी। स्टूडेंट मैथ में एक फार्मूला होता है, 2 sin θ cos थीटा इज इक्वल होता है स्टूडेंट sin 2 θ, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई स्केयर sin 2 θ ओवर जी। तो स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज क्या होती है। अगर हम वी आई को कांस्टेंट रखें, जी को भी कांस्टेंट रखें, और आर की वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम होगी जब sin 2 θ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और स्टूडेंट sin 2 θ की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, किसके इक्वल होती है, 1। अब हमने लिखा sin 2θ इज इक्वल टू 1, ये साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स। साइन इनवर्स 1 लेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, 90। और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, क्या दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, 45 डिग्री। अब अगर स्टूडेंट हम इस 45 को इस इक्वेशन में पुट करें, तो देखें आर, अब आर की जगह क्या आएगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, साइन की जगह साइन, 2 की जगह 2, थीटा की जगह अब क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 45। तो वी आई स्क्वायर वैसे का वैसे, साइन वैसे का वैसे, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। स्टूडेंट साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये वी आई स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा, यानी आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, वी आई स्क्वायर ओवर जी। तो स्टूडेंट हम दोबारा देख लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट में किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है और कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं। यहां वर्टिकल डिस्टेंस 0, वी आई वाई हमें चाहिए वो कितना होता है, वी आई साइन थीटा। एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल होगा और वो नेगेटिव होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में उसे क्या करेंगे, पुट करेंगे और टी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इधर आएंगे तो हमें वी आई एक्स क्या होता है, वी आई कॉस थीटा। इसमें वर्ट हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से, तो ये टाइम पुट करेंगे और रेंज हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट किससे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज पुट करेंगे, रेंज निकल आएगी। मैक्सिमम रेंज के लिए हमें वी आई को कांस्टेंट रखना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट, तो आर उस वक्त मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। फिर उधर जाकर हम साइन को इनवर्स करेंगे, 90 निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो कितनी वैल्यू निकलेगी, 45। इसको उठाकर यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी स्टूडेंट, वी आई स्क्वायर ओवर जी। यहां पर हमारा स्टूडेंट लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट।